नमस्कार दोस्तों, आज की डेट है 27 मार्च 2018। स्वागत है आपका पीलिंग बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। इस वीडियो में हम हिंदू और पीआईबी की इंपॉर्टेंट न्यूज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट आर्टिकल वल्चर कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर के बारे में है। क्या कंटेक्स्ट है? पिछले 10 सालों में इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, साउथ एशिया के रीजन में वल्चर्स यानी गिद्ध की संख्या 95% तक कम हो गई है। काफी चिंताजनक बात है। वल्चर्स के बारे में थोड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको देता हूँ। वल्चर्स को प्रकृति के सफाई कर्मी के रूप में भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि एनिमल्स की डेथ के बाद उनके शव को डिग्रेड किया जाता है वल्चर्स के द्वारा। अगर वल्चर्स एनिमल्स के शव को डिग्रेड ना करें तो एनिमल्स के शव से बहुत सारी बीमारियां फैल सकती हैं, इसीलिए सफाई कर्मी के रूप में जाना जाता है। साइलेंस टावर का नाम आपने सुना होगा। पारसी लोग ह्यूमन बींग्स की डेथ के बाद शवों को दफनाते नहीं है और ना ही जलाते हैं। साइलेंस टावर में उन शवों को छोड़ दिया जाता है, उसके बाद वल्चर्स का काम स्टार्ट होता है और उन शवों को डिग्रेड किया जाता है वल्चर्स के द्वारा। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर यह उठता है, आखिर ऐसा क्या हुआ इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान और साउथ एशिया के रीजन में कि वल्चर्स की संख्या 95% तक कम हो गई? देखो, वल्चर्स की संख्या कम होने का एक इंपॉर्टेंट रीजन है डाइक्लोफिनेक दवाई। डाइक्लोफिनेक जो दवाई है वो एनिमल्स को दी जाती है, पशुओं को दी जाती है। पशुओं में जब जॉइंट पेन होता है तो एनिमल्स के जॉइंट पेन के दर्द को कम करने के लिए एनिमल्स को डाइक्लोफिनेक दवाई दी जाती है। लेकिन काफी बार ऐसा होता है कि एनिमल्स को यह दवाई जब दी जाती है उसके तुरंत बाद एनिमल्स की डेथ हो जाती है। तो एनिमल्स के शव को जब डिग्रेड करना स्टार्ट करते हैं वल्चर्स जिनको डाइक्लोफिनेक दवाई दी गई थी, तो यह डाइक्लोफिनेक दवाई वल्चर्स के लिए जहर का काम करती है। क्योंकि डाइक्लोफिनेक दवाई की वजह से वल्चर्स की जो किडनी है, जो गुर्दे हैं, वो खराब हो जाते हैं, समझ गए? तो एनिमल्स के थ्रू डाइक्लोफिनेक जो है वो पहुंचता है वल्चर्स में और वल्चर्स की किडनी को नुकसान पहुंचाता है, वल्चर्स की डेथ हो जाती है। हालांकि सरकार ने बैन लगाया है डाइक्लोफिनेक दवाई पर। डाइक्लोफिनेक दवाई का जो एक अल्टरनेटिव है वो है मेलोक्सिकैम। अब बात करते हैं कंजर्वेशन की। कंजर्वेशन का सिंपल मीनिंग ये होता है कि किसी चीज की संख्या को कम होने से रोकना। हम बात कर रहे हैं यहां पे वल्चर्स की, तो वल्चर्स के कंजर्वेशन का मतलब है वल्चर्स की संख्या को कम होने से रोकना। कंजर्वेशन भी देखो दो तरीके का होता है, इन सीटू कंजर्वेशन और एक्स सीटू कंजर्वेशन। पहले हम बात करते हैं इन सीटू कंजर्वेशन की। एग्जाम्पल की सहायता से हम समझते हैं। मान लीजिए ये एरिया है, वल्चर्स इस पूरे एरिया में मिलते हैं, लेकिन वल्चर्स की संख्या बहुत कम हो रही है, तो सरकार क्या कर सकती है? सरकार इस एरिया में आने जाने पर बैन लगा सकती है। सरकार कह सकती है कि इस एरिया में वल्चर रहते हैं, वल्चर की संख्या कम हो रही है, आप इस एरिया में मत जाइए। ह्यूमन बींग्स के लिए इस एरिया पर जाने पर प्रतिबंध लगा सकती है। सिंपल कंसेप्ट है नेशनल पार्क्स का, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज का। नेशनल पार्क में क्या करते हैं? नेशनल पार्क्स में ह्यूमन बींग्स की एंट्री पर बैन होता है ताकि एनिमल्स को कंजर्व किया जा सके। तो ये सारे जो तरीके हैं वो इन सीटू कंजर्वेशन के हैं, मतलब जहां पे एनिमल्स का नेचुरल हैबिटेट है वहीं पर एनिमल्स को कंजर्व किया जा रहा है। एनिमल्स को किसी दूसरी जगह पे नहीं ले जाया जा रहा है, जहां पे वो मिलते हैं, जो उनका नेचुरल घर है, वहीं पे सरकार कुछ ना कुछ ऐसा कर रही है कि एनिमल्स को कंजर्व किया जा सके। अब देखो एक्स सीटू कंजर्वेशन इन सीटू कंजर्वेशन का उल्टा होता है। मान लीजिए वल्चर्स यहां पे मिलते हैं और वल्चर्स की संख्या कम हो रही है, सरकार क्या कर सकती है? इस एरिया से दूर, यानी वल्चर्स जहां पर मिलते हैं उस नेचुरल हैबिटेट से दूर कुछ ऐसा करे कि वहां पे वल्चर्स को कंजर्व किया जाए। चिड़ियाघर में वल्चर्स को कंजर्व किया जा सकता है, नेचुरल हैबिटेट से बहुत दूर ब्रीडिंग सेंटर इस्टेब्लिश करके वल्चर्स को कंजर्व किया जा सकता है, मछलियों को कंजर्व किया जा सकता है एक्वेरियम बना के। तो ये सारे तरीके हैं एक्स सीटू कंजर्वेशन के। सिंपल डिफरेंस है, नेचुरल हैबिटेट में जब एनिमल्स को कंजर्व किया जाता है तो वो है इन सीटू कंजर्वेशन, और एक्स सीटू कंजर्वेशन वो है जब नेचुरल हैबिटेट से दूर एनिमल्स को कंजर्व किया जाता है। अभी हम बात कर रहे हैं वल्चर्स कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर की। वल्चर्स को कंजर्व करने के लिए ये एक एक्स सीटू कंजर्वेशन इनिशिएटिव है। ये सेंटर्स एस्टैब्लिश किए गए थे बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी यानी BNHS के द्वारा। चार सेंटर्स अभी हैं फिलहाल, एक हरियाणा में है, एक असम में है, एक वेस्ट बंगाल और एक मध्य प्रदेश में है। मुश्किल ये है यूपीएससी पूछेगी इन चार ब्रीडिंग सेंटर्स के बारे में, लेकिन एक बार आपने सुन लिया तो ध्यान में आ जाएगा अगर यूपीएससी पूछती है। इसके अलावा सेंट्रल जू अथॉरिटी ने भी 5 ब्रीडिंग सेंटर्स एस्टैब्लिश किए हैं अलग अलग जगह पर। देखो इन वल्चर्स कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर्स में वल्चर्स के लिए बहुत सारी फैसिलिटीज होती हैं, वल्चर्स की ब्रीडिंग के लिए, वल्चर्स की देखभाल के लिए। अगर कोई वल्चर यानी गिद्ध बीमार है, इंजर्ड है, तो उन वल्चर्स की देखभाल के लिए भी बहुत सारी फैसिलिटीज होती हैं। वल्चर्स कॉलोनीज में रहते हैं मिलके इन वल्चर्स कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर्स में। तो ये सब चीजें की गई हैं, वल्चर्स कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर्स एस्टैब्लिश किए गए हैं गिद्ध को कंजर्व करने के लिए। इसके अलावा
वल्चर्स सेफ्टी जोन भी स्टैब्लिश किए गए हैं। अब देखो वल्चर्स सेफ्टी जोन जो है वो इन सीटू कंजर्वेशन टेक्निक है, पूछ सकती है यूपीएससी। इन सीटू कंजर्वेशन टेक्निक है वल्चर्स सेफ्टी जोन। वल्चर्स सेफ्टी जोन में क्या होता है, जैसा हमने पहले डिस्कस किया था, मान लीजिए वल्चर यहां पर रहते हैं, 100 किलोमीटर का रेडियस है इस पूरे एरिया का। इस 100 किलोमीटर रेडियस के एरिया में डाइक्लोफिनेक दवाई जो वल्चर्स की डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो पूरी तरह से बैन होगी। तो इस प्रकार से वल्चर्स के कंजर्वेशन के लिए वल्चर्स सेफ जोन भी इस्टेब्लिश किए गए हैं BNHS के द्वारा, यानी बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के द्वारा। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया वल्चर कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर के बारे में। चलते हैं आगे, अगला आर्टिकल फेडरेशन ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में है। काफी इंपोर्टेंट ये बॉडी है। इस बॉडी को इस्टेब्लिश किया गया था 1965 में। कॉमर्स मिनिस्ट्री ने प्राइवेट ट्रेडर्स के साथ मिलकर इस बॉडी को इस्टेब्लिश किया था। काम क्या है इस बॉडी का, फेडरेशन ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन का। ये बॉडी इंडियन एक्सपोर्टर्स को फॉरेन मार्केट्स में रिप्रेजेंट करती है। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया का कोई एंटरप्रेन्योर या फिर एक्सपोर्टर है, एक्सपोर्ट कर रहा है यूएसए की मार्केट में, और यूएसए की मार्केट में प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है इंडियन एंटरप्रेन्योर को या फिर एक्सपोर्टर को, तो वहां पर यूएसए की मार्केट में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं इंडिया के एंटरप्रेन्योर्स को और एक्सपोर्टर्स को, उन प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने में मदद करता है फेडरेशन ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन एक्सपोर्टर्स को रिप्रेजेंट भी करता है फॉरेन मार्केट्स में ये ऑर्गेनाइजेशन। इसके अलावा निर्यात बंधु और निर्यात श्री अवार्ड्स भी दिए जाते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा उन एक्सपोर्टर्स को जो अच्छा काम करते हैं एक्सपोर्ट में, यानी दूसरे एक्सपोर्टर्स की मदद करते हैं और एक्सपोर्ट को फैसिलिटेट करने में अच्छा काम करते हैं, तो उन एक्सपोर्टर्स को इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा निर्यात बंधु और निर्यात श्री अवार्ड्स दिए जाते हैं। चलते हैं आगे, अगला आर्टिकल मोबाइल्स और लैपटॉप्स में पोल्यूशन के बारे में है। क्या कंटेस्ट है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने कहा है कि हम रैंडम रूप से मोबाइल्स और लैपटॉप्स में चेक करेंगे कहीं पोल्यूटेंट्स की मात्रा बहुत ज्यादा तो नहीं है। देखो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स जैसे मोबाइल्स और लैपटॉप्स में लेड, कैडमियम, हेक्सावेलेंट क्रोमियम, मर्करी, पॉलीब्रोमिनेटेड डाइफिनाइल ईथर्स, ये सब जो मेटल्स हैं वो पोल्यूटेंट्स हैं, ना सिर्फ ह्यूमन हेल्थ को बल्कि इन्वायरमेंट को भी पोल्यूट करते हैं ये सब मेटल्स। तो इन सब मेटल्स की मात्रा को चेक करेगा सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। अगर कोई मोबाइल या फिर कोई लैपटॉप सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के टेस्ट को फेल कर देता है, टेस्ट का नाम होगा रिडक्शन ऑन हैजार्डस सब्सटेंस टेस्ट, अगर इस टेस्ट को फेल कर देता है कोई मोबाइल या फिर टैबलेट या फिर कोई लैपटॉप, तो उस कंपनी को दोषी ठहराया जाएगा और कार्रवाई होगी या फिर फाइन किया जाएगा उस कंपनी के खिलाफ जिस कंपनी के मोबाइल या टैबलेट या लैपटॉप में जो ये पोल्यूटेंट्स हैं उनकी मात्रा बहुत ज्यादा पाई गई है। और ये सारे टेस्ट कंडक्ट किए जाएंगे सेंटर फॉर मटेरियल फॉर इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी हैदराबाद में। रिसेंटली इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स में भी अमेंडमेंट की गई थी, और इन अमेंडमेंट्स को करने के बाद ही सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने ये जो टेस्ट है रिडक्शन ऑन हैजार्डस सब्सटेंस टेस्ट, इस टेस्ट को करने का निर्णय लिया है। देखो अभी रिसेंटली जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स में अमेंडमेंट की गई थी, 2-3 अमेंडमेंट जो मेन है उनके बारे में आपको बता देता हूं। प्रोड्यूसर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन यानी PROs सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को अप्लाई करेंगे अपने आप को रजिस्टर करवाने के लिए। होता क्या है प्रोड्यूसर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन PRO से पहले मैं आपको एक और टर्म के बारे में बताना चाहता हूं, EPR एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक कंपनी, फॉर एग्जाम्पल सैमसंग अगर लैपटॉप्स को मैन्युफैक्चर करती है, तो उन लैपटॉप्स को डिस्पोज करने की जिम्मेदारी भी सैमसंग की होती है, यानी एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसके लिए या तो सैमसंग खुद ही डिस्पोज करेगी या फिर कुछ पैसा भी दे सकती है सैमसंग कंपनी, ताकि सैमसंग कंपनी के द्वारा जो लैपटॉप्स मैन्युफैक्चर किए गए हैं उनको डिस्पोज किया जा सके। अगर टाइम नहीं है सैमसंग के पास और रिसोर्सेज नहीं है डिस्पोज करने के लिए, तो सैमसंग कंपनी सीधा सीधा पैसा दे सकती है किसी थर्ड पार्टी को। फॉर एग्जाम्पल कोई कंपनी है जिसका नाम है ABC। ABC कंपनी का काम ही ये है इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को डिस्पोज करना इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज की तरफ से। फॉर एग्जाम्पल सैमसंग, LG, ओनिडा, ये सारी कंपनीज पैसे देती हैं ABC कंपनी को, और ABC कंपनी इन इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज की तरफ से इनके इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को यूज होने के बाद डिस्पोज कर देता है। तो इस सिचुएशन में ABC कंपनी हुई प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन। तो कोई भी कंपनी अगर अपने आप को प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर इस्टेब्लिश करना चाहती है, तो पहले उसके अपने आप को सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के पास रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, उसके बाद ही इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स को डिस्पोज करने की एक्टिविटीज की जा सकती है प्रोड्यूसर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। इसके अलावा सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा जो रिडक्शन ऑफ हैजार्डस सब्सटेंस प्रोविजंस के तहत टेस्ट कंडक्ट किए जाएंगे रैंडम किसी मोबाइल फोन या फिर लैपटॉप पे,
तो इन सभी टेस्ट का जो खर्चा है वो सरकार वहन करेगी, समझ गए, यानी सरकार वो सारा खर्चा उठाएगी इन रैंडम टेस्ट का जो कंडक्ट किया जाएगा सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा, ये चेक करने के लिए किसी टेबलेट या मोबाइल फोन में पोल्यूटेंट्स की मात्रा कहीं बहुत ज्यादा तो नहीं है। तो ये पूरा आर्टिकल था पोल्यूशन के बारे में। चलते हैं आगे, अगला आर्टिकल पलियार ट्राइब के बारे में है। क्या कंटेस्ट है, काफी लंबे स्ट्रगल के बाद फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 के अंतर्गत रिजर्व फॉरेस्ट का एक्सेस मिल गया है पलियार ट्राइब को, ताकि वो अपना जीवन यापन ठीक से कर सकें और जो माइनर रिसोर्सेज हैं फॉरेस्ट के उनको एक्सेस कर सकें। बात करें पलियार ट्राइब की, तो तमिलनाडु के कुडईकनाल और सिरुमलई हिल्स में मिलती है पलियार ट्राइब। ऐसा नहीं कि एक ही जगह पर कॉन्सेंट्रेटेड होकर रहती है, छोटे छोटे ग्रुप्स में रहती है पलियार ट्राइब अनऑर्गेनाइज रूप से। और पुराने समय में फॉरेस्ट के इंटरनल पार्ट्स में या फिर गुफा की तरह का एक स्ट्रक्चर जिसे कल झाइस भी कहा जाता है, इस तरह के स्ट्रक्चर में रहा करती थी पलियार ट्राइब। तो ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है, आप याद रख लीजिएगा, यूपीएससी पूछ सकती है। चलते हैं आगे, अगला आर्टिकल माधवपुर मेला के बारे में है। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर माधवपुर मेला को ऑर्गेनाइज कर रही है। 25 मार्च से ये मेला स्टार्ट हुआ, 29 मार्च तक चलेगा। कहाँ पे इस मेले को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, गुजरात के पोरबंदर डिस्ट्रिक्ट में। गुजरात के पोरबंदर से 59 यानी 59 किलोमीटर दूर एक जगह है माधवपुर गेड़, इस जगह पर माधवपुर मेले को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। याद रखने वाली बात यह है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत स्कीम के अंतर्गत इस मेले की सहायता से गुजरात का नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के साथ इंटीग्रेशन को प्रमोट किया जा रहा है। एक भारत श्रेष्ठ भारत स्कीम में आपको पता है क्या होता है, हमारे देश के दो राज्यों को आपस में पेयर किया जाता है, और वो दो राज्य जिनको आपस में पेयर किया जाता है एक दूसरे के कल्चर को प्रमोट करते हैं अपने अपने राज्य में। तो इस मेले की सहायता से गुजरात में नॉर्थ ईस्ट के कल्चर को प्रमोट किया जा रहा है। माधवपुर मेले का एक स्पेशल नाता है अरुणाचल प्रदेश की मिसमी ट्राइब के साथ। देखो पुराने समय में भगवान श्री कृष्ण की रुक्मिणी के साथ जो शादी हुई थी, रुक्मिणी राजा भीष्मक की बेटी थी और राजा भीमसक थे अरुणाचल प्रदेश से, अरुणाचल प्रदेश की मिसमी ट्राइब थे राजा भीमसक, और राजा भीमसक की बेटी थी रुक्मिणी जिनकी शादी हुई थी भगवान श्री कृष्ण से। इसीलिए माधवपुर मेले का एक स्पेशल नाता है अरुणाचल प्रदेश की मिसमी ट्राइब के साथ, और इस माधवपुर मेले में उस पौराणिक विवाह को फिर से परफॉर्म किया गया। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया माधवपुर मेले के बारे में। ये थी हमारी आज की डिस्कशन। कल के डिस्कशन पर आधारित क्वेश्चंस डिस्कस करने से पहले पीडीएफ के बारे में आपको बता देता हूं। कल आपको मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की पीडीएफ मिल गई होगी। कुछ लोगों का यह कहना था कि उन्हें मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की पीडीएफ नहीं मिली है। आज वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं तीनों पीडीएफ डाल दूंगा, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट में आपको इंटरनेशनल बॉडीज और कन्वेंशन की जो चीजें हैं वो भी मिलेंगी, समझ गए, यानी मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट में कुछ ज्यादा और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। तीनों पीडीएफ आज आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर डाउनलोड कर सकते हो। कुछ लोगों का यह कहना था कि लिंक काम नहीं करता, एरर आती है डेटाबेस से संबंधित। तो देखो आप पेज को रिफ्रेश करोगे तो वो एरर चली जाएगी, एक दो बार अगर आप पेज को रिफ्रेश करोगे तो डेटाबेस संबंधित जो एरर आती है वो चली जाएगी। क्या करें, थोड़ा ग्रीव वेबसाइट है। शुरुआत से देख लेते हैं आज हमने क्या क्या डिस्कस किया। सबसे पहले हमने डिस्कस किया वल्चर कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर के बारे में। उसके बाद हमने डिस्कस किया फेडरेशन ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन को, पोल्यूटेंट्स इन मोबाइल्स एंड लैपटॉप्स के बारे में डिस्कस किया, पलियार ट्राइब के बारे में डिस्कस किया, और सबसे लास्ट में हमने डिस्कस किया माधवपुर मेला के बारे में। आगे आपके लिए क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आपके लिए है अर्थ आवर के बारे में। अर्थ आवर दो स्टेटमेंट आपके सामने रखता हूं। पहली स्टेटमेंट, क्या अर्थ आवर को हर एक साल अप्रैल के लास्ट सप्ताह में, लास्ट वीक में ऑर्गेनाइज किया जाता है, ये पहली स्टेटमेंट है। दूसरी स्टेटमेंट, अर्थ आवर को ऑर्गेनाइज किया जाता है यूएनईपी के द्वारा, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा। देखो दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। अर्थ आवर को ऑर्गेनाइज किया जाता है जनरली मार्च के आखिरी सैटरडे को या फिर सेकेंड लास्ट सैटरडे को, रात के 8:30 से 9:30 के बीच जो नॉन एसेंशियल इलेक्ट्रिक लाइट्स हैं उनको स्विच ऑफ कर दिया जाता है, और WWF यानी वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के द्वारा अर्थ आवर को ऑर्गेनाइज किया जाता है, ना कि UNEP यानी यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा। अगला क्वेश्चन आपके लिए निक्षय पोर्टल के बारे में है। निक्षय पोर्टल, रिसेंटली गवर्नमेंट ने निक्षय पोर्टल को इस्टेब्लिश किया, कौन से डिजीज से संबंधित पेशेंट्स को मॉनिटर करने के लिए। पहला ऑप्शन है एड्स, दूसरा ऑप्शन है कैंसर, तीसरा ऑप्शन है मलेरिया, और चौथा ऑप्शन है टीबी।
टीबी आंसर होगा इसका, निक्सिया पोर्टल को गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश किया था जो पेशेंट्स टीबी से पीड़ित हैं उनकी इफेक्टिव मॉनिटरिंग करने के लिए। अगला क्वेश्चन लांजिया ट्राइब से संबंधित है। लांजिया सावरा ट्राइब कौन से स्टेट में मिलती है? चार ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन वेस्ट बंगाल, दूसरा ऑप्शन झारखंड, तीसरा ऑप्शन छत्तीसगढ़ और चौथा ऑप्शन उड़ीसा। उड़ीसा में मिलती है, कल हमने डिस्कस किया था सावरा पेंटिंग्स के बारे में जिन्हें पेंट किया जाता है लांजिया सावरा ट्राइब के द्वारा, और लांजिया सावरा ट्राइब मिलती है साउदर्न उड़ीसा के बंसद्रा रिवर के आसपास। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन, फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।